गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगारो की फेस रोलर का रिव्यू। गाइज मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेशियल्स रोलर मिल जाते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स। सो जो ये स्टोन्स होते हैं वो नेचुरल स्टोन्स होते हैं जिनके स्किन में काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, और ये अलग अलग टाइप के स्टोन होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से आपके स्किन को बेनिफिट देते हैं। तो ये वाला जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट, इसमें जिस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है वो है रोज क्वार्टर्स। और ये जो रोज क्वार्टर्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज को स्टिमुलेट करता है, प्लस ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। ये आपके स्किन में ऑक्सीजन के सप्लाई को भी इंप्रूव करता है, जिससे कि आपकी स्किन काफी ज्यादा यूथफुल लगती है, टाइटन अप लगती है, और आपके स्किन में जो खोई ग्लो है वो वापस आ जाती है। गाइस इसके बारे में आगे हम इन डिटेल से अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में, प्राइस के बारे में, आप कैसे इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग प्रोडक्ट मंगा तो लेते हैं बट उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, फिर उनका ये कंप्लेन होता है कि हमें प्रोडक्ट सूट ही नहीं किया। तो आपने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया है इसीलिए वो जो है आपको सूट नहीं करता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगी तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा हेल्प मिलेगा एंड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके पैकेजिंग के बारे में। सो लुक एट द पैकेजिंग गाइज, ये कितनी ज़्यादा लग्जूरियस टाइप की पैकेजिंग के साथ आती है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको एक पोटली बैग मिलता है जिसमें आप इस प्रोडक्ट को कैरी करके लेके कहीं भी जा सकते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान में। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक वारंटी कार्ड, और ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। ऑनलाइन लेते हैं तो आपको इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल। सो इस मैनुअल में अच्छे से आपको गाइड किया गया है कि आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और सब कुछ जानकारी इसके बारे में दी गई है इस प्रोडक्ट के बारे में। सो इसके इंटरनल पैकेजिंग में आपको मिल जाता है रोज क्वार्टर ये फेस मसाजर, जिसके साथ आपको 2 और अटैचमेंट मिलता है। ये स्टडी अलॉय हैंडल के साथ आता है। 3-in-1 मल्टी फंक्शनल मसाजर है जो आपके फेस को लिफ्ट करवाने में एंड आपके फेस में ग्लोइंग एंड टाइटनिंग स्किन को करने में मदद करता है। स्टेनलेस स्टील इंटीग्रेटेड फॉर्म विद 360 डिग्री वाटर प्रूफ डिजाइन बनाया गया है, जिसको आप सोनाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शावर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट की एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर बैटरी को इंसर्ट किया जाता है। जैसे ही आप इसके अंदर बैटरी को इंसर्ट करते हैं, इसके कैप को लॉक कर देते हैं, तो आपको एक ऑन एंड दूसरा ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। और जैसे ही आप इसके ऑन को ऑन की तरफ इसको आप ट्विस्ट करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है एंड वाइब्रेट करने लगता है। प्राइस के बारे में बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो है 1995 रुपीज़, बट ये हमेशा आपको 1000 के अंदर मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपका फेस का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से कोई भी जेंटल फेस वॉश से आप अपना फेस को वॉश कर लीजिए, देन उसके बाद पेड ड्राई कर लीजिए, एंड उसके बाद आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल हो या फिर अगर आपके पास कोई भी सीरम हो या फिर कोई भी क्रीम हो, आपको उसको अप्लाई कर लेना है अपने नेक पे भी एंड आपको उसको अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे भी। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी फेशियल रोलर इस्तेमाल करें तो उसके लिए आपका फेस का मॉइस्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सूखे फेस पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो रिंकल्स जाने के बजाय वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया एंड देन सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ अपने नेक से। सो नेक से आपको स्टार्ट करना है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नेक को हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि इनवर्ड डायरेक्शन में आपको लेके जाना है, ऊपर से नहीं लेके जाना, वरना जो आपके रिंकल्स हैं वो नहीं जाएंगे। एंड हाँ, एक बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 3 to 10 times उसको लेके जाना है। एंड एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि आपको बैक एंड थ्रो नहीं करना है। एक बार जहाँ से आपने लेके गया है तो वहाँ पे ख़त्म करके फिर अगेन आपको उठाना है अपने फेशियल रोलर को, ठीक है? तो बैक एंड थ्रो आपको नहीं करना है, इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ आपको शो, इसी तरह से आपको करना है।
सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे इसको फेस पे अप्लाई करना है। सो फेस पे आपको इस तरह से अप्लाई करना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा फोर्सफुली इसको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाइब्रेट करता है। बस आपको हल्का सा अपने फेस पे इसको लेके जाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं लेके जा रही हूँ। एंड हाँ, आपको बस रिपीट मोशन में करना है, कम से कम आपको 3 to 10 टाइम करना है इस चीज़ को। एंड इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसको कर रही हूँ। एंड नाउ अब मैं आपको जॉ लाइन में करके दिखा रही हूँ। सो जॉ लाइन में करने से क्या होता है कि आपकी जो कॉन्टोर वगैरह वो पूरे अच्छे से नजर आती है। सो गाइज, सेम एज इट इज आपको अदर साइड वाले फेस पे भी इस तरह से अप्लाई करना है इसको। एंड इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो काफी सारे स्किन बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं। एंड ये आपके पफिनेस को भी दूर करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोकर उठते हैं तो हमारा स्किन काफी ज्यादा चेहरा फूला फूला लगता है, तो ये पफिनेस को कम करता है, कॉन्टोर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। और ये जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इम्प्रूव करता है, रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स को कम करता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप कैसे इसको फॉरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉरहेड पे हमेशा आपको अपर डायरेक्शन में लेके जाना है, इनवर्ड डायरेक्शन में लेके नहीं जाना है। रिपीट मोशन आपको करना है 3 to 10 टाइम्स। और हाँ, आपको बैक एंड थ्रो नहीं करना है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको करने टाइम आपका फेस हो सकता है कि हल्का सा रेड हो, सो ये नॉर्मल थिंग है, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके वजह से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से मिल पाती है आपके स्किन पे। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप स्पेशल चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा इफेक्ट आपको मिले तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट आप इसको डीप फ्रिज ना करें, क्योंकि फिर इस पर बर्फ जम जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। सो गाइज, यहाँ पे मैं इसके अटैचमेंट को हटा दे रही हूँ एंड जो नेक्स्ट अटैचमेंट है उसको यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये आइज़ के लिए आता है। सो इसको कैसे यूज़ करना है, बस सिंपली आपको इस तरह से अटैच कर देना है, हल्का सा आपको ट्विस्ट करना है, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के साथ ये हल्का सा वाइब्रेट करने लगता है। एंड अगर आप चाहें तो इस पर आई क्रीम भी लगा सकते हैं, देन उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसको यूज़ करना है। एंड आपको क्या करना है कि आगे से लेकर जाना है एंड जो लास्ट का पॉइंट है हल्का सा वहाँ पे प्रेशर लगाना है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी आंखों में पफिनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपकी आंखों में रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइंस आ गए हैं, तो ये उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। एंड आप जो है ऊपर में भी इसी तरह से इसको कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट से करना है आपको। अदर साइड भी आपको इसी तरह से करना है गाइज। एंड आपको रिपीट मोशन में करना है, जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया है। एंड उसके बाद आप जो है इसको आईब्रो के पास भी इस तरह से कर सकते हैं, हल्का सा प्रेशर साइड पे करना है। सो इस फेस रोलर के साथ जो लास्ट अटैचमेंट मिलता है, मैं उसको अब अटैच कर रही हूँ। और ये जो है वो आपके फेस को लिफ्ट करवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसको अटैच करने के बाद हल्का सा ट्विस्ट करना है, ये वाइब्रेट करने लगेगा, देन उसके बाद आपको हल्का सा खींचना है अपने स्किन को, और उसके बाद इस तरह से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अपर डायरेक्शन में लेके जाना है, इनवर्ड डायरेक्शन में लेके नहीं जाना है। रिपीटेड मोशन आपको इसमें भी करना है गाइज, मैंने पहले ही बताया था। बैक एंड थ्रो नहीं करना है, यानी कि रगड़ना नहीं है, ऊपर नीचे नहीं करना है। एक बार जैसे आप लेके जाते हैं वहाँ पे उसको आपको छोड़ देना है, देन उसके बाद फिर अगेन आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड आपको इस तरह से रिपीट कर लेना है। एंड ये आपके स्किन में बहुत ही प्यारा सा ग्लो लेके आता है, ये पफिनेस को कम करता है, स्किन को टाइटन करता है, कॉन्टोर करता है, प्रमोट करता है स्किन के मेटाबॉलिज्म को, और आपकी स्किन को सूद करता है। आप इसका इस्तेमाल डेली 10 to 15 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है आप वीक में 3 बार से ज़्यादा ना करें। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड मस्ट बाय प्रोडक्ट। अगर आपको भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या करें, आपके बहुत ही ज़्यादा यू नो रिलीफ महसूस होता है, आपको इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेनलेस महसूस होता है, आपके बॉडी के सारे पेन को ये रिमूव करता है, प्लस ये लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम करता है। एंड सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ, अगर आप अपनी अर्ली 30s में हो ना, तो डेफिनेटली आपको अपने स्किन केयर रूटीन में इसको ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी अर्ली एजिंग साइनों को दूर करता है आने से। एंड हाँ गाइज, आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स पे भी ये काम करता है। अगर आ चुका है ना तो ये धीरे धीरे उसको कम करेगा, और अगर नहीं आया है तो ये आने पे थोड़ा सा रोक लगाएगा, क्योंकि ये चीज़ है कि आप जो है वो फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को आने से नहीं रोक सकते हो, वो जो है एजिंग का प्रोसेस है, वो आएगा ही। बट क्या होता है इस तरह के, जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को वो थोड़ा स्लो कर देता है, आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो है वो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड अगर आपको इसको लेने में इंटरेस्ट है, अगर आप इसको लेना चाहते हो, तो इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको जरा सी भी ये वाली वीडियो पसंद आई तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर, और जिन लोगों को भी इस तरह की वीडियो की नीड है ना, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।
हूँ।